खून के साथ करेंगे तो फिर बार बार करेंगे, फिर वो यही आती है। हाँ जी, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वन फाइल, सो यू हैव टू सीपी इट। सीपी कर लें जी इसे, किधर करना है, कॉपी हमारे पास है जी यूज 02 ऑन अ ऐप ऑन अ ओरेकल। चलें सी डी ऐप ओरेकल में आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, सो मूव बैक यूज 02 ऐप ओरेकल एंड दिस वन इज़ योर टी आर सी फाइल। सो ओपन इट एंड रिक्री, और इसके स्क्रिप्ट को जो है ना वो VI करके मॉडिफाई करें। सो मैं इसे करता हूँ टेक्स्ट एडिटर में ओपन। चलें जी आ जाएं, व्हाट यू हैव टू डू, चलो भाई जी 02 के नाम से कोई नहीं। ओह सॉरी यार, स्पेल मिस्टेक। ओके आए जी अपने स्क्रिप्ट पे, सो डिलीट इट ले जी, डन। श्योर स्टार्टअप नो माउंट, क्रिएट कंट्रोल फाइल, सेट डेटाबेस DRCL, रीसेट लॉग्स, नो आर्काइव लॉग, क्रिएट स्टार्टअप नो माउंट, डेटाबेस नो माउंट में चला गया, क्रिएट कंट्रोल फाइल, सेट डेटाबेस DRCL, रीसेट लॉग्स, नो आर्काइव लॉग, मैक्स लॉग फाइल्स। अब ये देखिए दिस वन इज स्टैटिक पोर्शन, ये एक बार बन गया तो चेंज नहीं होने वाला। मैक्स XXX पैरामीटर्स, मैक्स लॉग फाइल्स, मैक्स लॉग फाइल मीन कितने ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप में कितने मेंबर, तीन तीन, मैक्स डेटा फाइल्स जिनको हैंडल कर सकता है, मैक्स इंस्टेंसेस अगर रैक DB हुआ तो 8 से ज्यादा इंस्टेंसेस नहीं ओपन होंगे, और एक्टिव लाइक क्यू के अंदर 292 से ज्यादा कंट्रोल फाइल्स का वो आर्काइव लॉग फाइल्स का रिकॉर्ड कीप नहीं कर सकेगा। सो उसकी अब ये देखिए यहाँ पे पाथ जो आप पूछ रहे थे ना, नए सर्वर पे ले जाएंगे तो यहाँ पे उसका क्या नाम रखेंगे, लाइक यहाँ पे DRCL, अगर आपका माउंट पॉइंट चेंज है तो माउंट पॉइंट का भी नाम डिफर कर दें। ये फाइल तो फिजिकली कॉपी पेस्ट हमने की हुई है ना, ये तो कंट्रोल फाइल के लिए उसको बताना है कि भाई ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं DRCL, और यहाँ पे नाम ज़रूरी नहीं कि एक फोल्डर का, पूरे का पूरा पाथ का नाम चेंज हो सकता है जिस नए सर्वर पर लेके गए हैं, और अगर नए सर्वर पर ले जाके ओरिजिनल नाम ही रखना है वो भी रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेट डेटाबेस नहीं, रीयूज डेटाबेस, वही जो पुराना लिखा हुआ था ORCL वही रहने दें। मेथोडोलॉजी में तो थोड़ा सा फर्क है, अगर डेटाबेस का वही नाम रखना है नए क्लोन्ड सर्वर पे तो वही नाम रहने दें, नो इश्यू एट ऑल।
इसका नाम मैंने रख दिया क्रिएट डीबी डॉट सीक्वल। सो मूव दिस वन। अब ये देखिए, इसने डबल कोट्स भी ऐसे लगा दिए, क्रिएट डीबी डॉट सीक्वल, ठीक है, एंड क्रिएट डीबी डॉट सीक्वल, लुक एट स्टार्टअप नो माउंट, क्रिएट कंट्रोल फाइल सेट डेटाबेस डीआरसीएल, रीसेट लॉग्स, नो आर्काइव लॉग, दिस पैरामीटर चेक कर लें, किसी किस्म की कोई फर्क तो नहीं, डीआरसीएल सब चीजें चेक हैं, करेक्टर सेट चेक है, श्योर, काम खत्म। इसको अगर दरमियान में से कमेंट को हटाना चाहते हैं हटा दें, कोई भी स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए मुझे, नो एक्स्ट्रा स्पेस शुड बी देयर, और ये करेक्टर सेट के बाद कर्सर इधर होना चाहिए, सेव इट, सेव, खत्म, डन, क्रिएट डी बी डॉट सीक्वल गॉन्ट टू बी जनरेटेड। ओके, अब हम लोगों को क्या कुछ करना है, अच्छा जी, लेट मी चेक कि क्या पी फाइल, एस पी फाइल हमने बना दी थी, बन गई थी, कैसे बन गई थी, कैसे पॉसिबल, वही बात है, हमने अभी तक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, ठीक है, बी डंप, ए डंप, पी फाइल, नंबर टू ऑरा डेटा के अंदर कोल्ड स्प्लिट लेके, सॉरी उसके कोल्ड जो भी है वो लेके, वो फाइलें हमने रख दी हुई हैं, ठीक है, ये दूसरा काम कर दिया हुआ है। लेट मी चेक डीबीएस के फोल्डर में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, सो गो टू लाइक दिस वन एंड गो टू लाइक डीबीएस, इनसाइड डीबीएस वी हैव क्रिएटेड अ पासवर्ड फाइल, इतना मुझे पता है कि हम लोगों ने पासवर्ड फाइल बना ली थी, ऑरा पीडब्ल्यू डी डी आर सी एल, थैंक यू यार, जज़ाकअल्लाह। हाँ, अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि व्हाट अबाउट पी फाइल, क्या हम लोगों ने पी फाइल भी इसकी बनाई थी, नो आई डोंट थिंक सो कि पी फाइल हम लोगों ने बनाई थी, अगर बनाई होती तो यहाँ पे इनिट क्या नाम होता, इनिट डी आर सी एल डॉट ऑरा, ये बनी हुई है, इनिट डी आर सी एल डॉट ऑरा बनी हुई है, अच्छा तो हम लोगों ने फिर ऐसा है कि यस मुझे याद आ गया, इनिट ओ आर सी एल डॉट ऑरा को मॉडिफाई करके ये बनाया था, और इसके अंदर हमने इसकी कंट्रोल फाइल का पाथ चेंज कर दिया था डी आर सी एल, इसका डी बी ब्लॉक साइज मैंने आपको बताया था, डी बी नेम बताया था, और ये कहा था कि फ्लैश रिकवरी एरिया या उसका साइज या डायग्नोस्टिक डेस्क अगर आपने चेंज करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, और अनडू टेबल स्पेस वगैरह का नाम चेंज करना है, तो वही हमने इनिट ओ आर सी एल डॉट ऑरा को सेव एज कर लिया था, इनिट ओ आर सी एल डॉट ऑरा जो बनी हुई थी उसको इनिट डी आर सी एल डॉट ऑरा कर दिया था, ठीक है, ये काम किया था हम लोगों ने। ओके गाइस, सो राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, श्योर, एक्सपोर्ट ओरेकल अंडरस्कोर सेड इज व्हाट DRCL, सबसे पहला काम था कि डॉट बैश प्रोफाइल में ORCL है, इस टर्मिनल जिस टर्मिनल में क्लोनिंग करने लगे उसके लिए उसकी सेटिंग ओवरराइड हो जाए, नंबर वन काम हो गया, नंबर टू गो टू SQL प्लस SQL प्रॉम्प्ट पे चले जाएं, डू व्हाट सिस, अच्छा मुझे बताइए कि क्या हमने लिसनर में इसकी सर्विसेज बना ली हुई हैं, नो, सो अबॉर्ट करें भाई, एक सर्विस बना लें, बल्कि क्या अबॉर्ट करना है, नई टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, लॉग ऑन विद नेट एम जी आर, नेट एम जी आर टूल से लॉग इन हो जाए, हमें काम बड़े हैं ना, डिपेंडेंसीज बड़ी हैं, बड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, क्या किया क्या नहीं किया, इसमें डेटाबेस सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज में दो डेटाबेस एडिड हैं, एक तीसरी डेटाबेस भी एडअप कर लें, आरमैन डी बी जो एडिड है इसका नाम क्या है, डी आर सी एल, सो एड विद द नेम डी आर सी एल, एड विद द नेम डी आर सी एल, एंड इट वुड बी ड्यू जीरो टू ऐप ओरेकल प्रोडक्ट 11.2.0 DB1 फाइल सेव नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, श्योर, अच्छा जी, जबकि इधर एक सर्विस नहीं बना लें, इसका नाम क्या रखें, DRCL TCP होस्ट इज व्हाट 192.168.1.78 पोर्ट इज 1521 सर्विस नेम इज DRCL एंड फिनिश, और इसे करते हैं फाइल सेव नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल एग्जिट and lsnrctl start your listener, so listener should be capable enough ke wo drcl wagera ko listen kar raha ho, service hamari bani hui hai, so no issue at all, so right now login sys
Oracle at a rate drclssdba. नहीं यार, इसका नाम हमने क्या रखा था, सिस, तो यार इसका पास भी हमने कुछ और ही रख दिया था, सीक्रेट 007. नहीं यार, तब मुझे याद है बच्चे, बादामों की ज़रूरत है आप लोगों को, बोरियां खानी पड़ेंगी आपको बादामों की. क्या बनेगा आप लोगों का बड़े होके, स्टार्टअप नो माउंट. ना 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 ना, ये मैं एक और काम करने लगा हूँ ना, स्टार्टअप नो माउंट क्रिएट एस पी फाइल फ्रॉम पी फाइल. आई एम गोइंग टू क्रिएट एस पी फाइल एंड आई एम गोइंग टू अगेन शट इट डाउन. एस पी फाइल यूजली ज़रा कह लें कि होती है, उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया था ना. ओके, सो यू कैन, अब आपको क्या करना है, सिंपल स्क्रिप्ट को कॉल करना है. उससे पहले आपको एक चीज़ की श्योरिटी लेनी है, जब स्क्रिप्ट आप कॉल करें ना, गो टू डी बी एस. अब यहाँ पे देखिए, यूनिक्स में एक, ये आपके सिलेबस बुक में नहीं है, एक फाइल होती है, जैसे ओ आर सी एल के लिए एल के ओ आर सी एल, आर मैन के लिए क्या है एल के आर मैन डी बी. अगर ये फाइल बनी हुई ना एल के डी आर सी एल, तो आपकी ये जो पासवर्ड, ये जो है ना कंट्रोल फाइल क्रिएशन, ये अबोर्ट हो जाएगी. ये उसकी बाइनरी इमेज फाइल होती है और पहली बार बनती है, जब पहली बार कंट्रोल फाइल बनती है तो सिर्फ उस वक्त बनती है. अगर यहाँ पे एल के डी आर सी एल के नाम की कोई फाइल है तो उसको डिलीट कर दें, एल्स वो कंट्रोल फाइल नहीं बनाने देगा, प्रीमेच्योर अबोर्ट हो जाएगा प्रोसेस. ठीक, कोई फाइल नहीं है, इट्स ओके, वी आर सेफ. सो आई हैव टू राइट डाउन वॉट U02 app oracle, क्या नाम रखा था यार, ये हमारे जो स्क्रिप्ट है, create db dot sql. done, control files gone to be created and database gone to be mounted. लें जी, डेटाबेस माउंट भी हो गया, कंट्रोल फाइल्स भी बन गई, पीछे काम. हाँ, नो नो, माउंट नहीं करना, कंट्रोल फाइल क्रिएट करके उसने खुद माउंट कर दिया. राइट नाउ डेटाबेस इज इन अ माउंटेड स्टेट, ऑटोमेटिक माउंटेड स्टेट पे चला गया. क्यों, अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा था, अब ये देखिए किसने किया क्या कुछ है ना, पहले जरा ट्रेस देख लें कि इसने किया क्या कुछ है. इनसाइड प्रोडक्ट, इनसाइड 11.2.0, इनसाइड db1, हेयर इन अ डी बी एस फोल्डर. एक तो बनी होगी एल के डी आर सी एल, ये वो फाइल बन गई जो मैंने आपसे कहा था कि अगर बनी हुई तो इसको वॉश करें. एंड नंबर टू, कंट्रोल फाइल्स, हमने इसकी जो ऑरा डेटा का फोल्डर था उसमें कंट्रोल फाइल नहीं बनाई थी, कंट्रोल फाइल हमने वॉश कर दी थी. एक कंट्रोल फाइल इधर पड़ी होनी चाहिए और एक कंट्रोल फाइल, आपको पता है फ्लैश रिकवरी एरिया के अंदर एक फोल्डर होगा, ये दोनों कंट्रोल फाइल बन गई, डी बी गॉन्ट टू बी माउंटेड. अब माउंट हो गई है डेटाबेस, अब हमें करना है ओपन. जी, पाथ दो अलहदा अलहदा दिए थे और दोनों पाथ जहां पे दिए थे वहीं पे उसने बनानी थी, बना दी. नाउ इट्स ओके, अब हमें करनी है रिकवरी, और रिकवरी अब जब हम लोग करेंगे तो इट शुड बी एस सी एन बेस्ड रिकवरी. एस सी एन बेस्ड के अलावा हम अब कोई और नहीं कर सकते, ठीक है. सो लेट्स इनिशिएट द टास्क, एस सी एन बेस्ड रिकवरी करनी है भाई. और इसी टर्मिनल में करनी है. अच्छा, मैंने लास्ट टाइम दो स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करवाए थे ना, दिस वन इज रिकवर स्क्रिप्ट. मेरे साथ साथ रहा करें, कभी एक बार इंसान से ही गलती होती है भाई, बता दिया करें जल्दी. इस फील्ड में आप भी स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है. जब तक स्टूडेंट हैं उतनी देर तक सीखेंगे. जिस दिन आपने कहा कि नहीं जी मैं तो कुछ ना कुछ बन गया हूँ, उस दिन आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा. ओके, नाउ फर्स्ट गेट दिस वन के हमारे पास एस सी एन नंबर क्या है. सिलेक्ट मैक्स ऑफ चेक पॉइंट अंडर स्कोर चेंज नंबर, दोबारा फंक्शन लगाया मिन ऑफ चेक पॉइंट चेंज नंबर फ्रॉम वी डॉलर साइन डेटा फाइल, के हमारे पास जो डेटा फाइल्स हैं उसमें देखिए चेक पॉइंट एस सी एन नंबर हमारे पास क्या है, 1420923.
हम कहां तक रिकवर करेंगे, प्लस वन। अगर आप चेक पॉइंट क्यू के एंड तक जाना चाहते हैं तो इसमें एक एडअप कर दें। बस आर्काइव लॉग फाइल तो है नहीं, रीडू लॉग फाइल्स हैं, वो भी पुराने वाले डेटाबेस की, उसको धोखा देके इस वाले की बनाना है। सो एड वन, चलें जी एड वन कर देते हैं कॉपी। ये वी डॉलर साइन डेटा फाइल, वी डॉलर साइन डेटा फाइल किसके ऊपर होता है, डेटाबेस की डेटा फाइल्स, यानी सिस्टम जीरो तमाम फाइल्स। मैक्स और मिन का फंक्शन लगाया ना, तो तमाम फाइल्स के हेडर्स में से मैक्सिमम, और ये जरूरी है कि कोल्ड सेपरेट हो, दोनों में एक ही नंबर आ रहा हो, एल्स एनोमली जनरेट हो जाएगी, बैक रिकवरी नहीं हो पाएगी। क्यों, माउंट स्टेट में क्या होता है, कंट्रोल फाइल्स और कंट्रोल फाइल डेटा फाइल्स के हेडर पढ़ लेता है, डेटा फाइल्स के हेडर पढ़ चुका होता है। हाँ, डेटा फाइल की ये नहीं उसे पता होता कि मैं इसको ओपन करूं या नहीं, वो ओपन नहीं करता किसी भी फाइल को, उसके हेडर्स को स्कैन कर सकता है, हेडर को तो स्कैन करता है ठीक है। हाँ, वैलिडिटी नहीं चेक कर सकता, ये नहीं चेक कर सकता कि इसका स्टेटस वैलिड है कि नहीं, ये चेक कर लेता है कि इसमें पड़ा क्या कुछ हुआ। जी नहीं, रिकवरी तो करके, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे रिकवर करके ओपन होगा ना, एल्सो डेटाबेस ओपन नहीं होगा। वी डॉलर साइन डेटा फाइल, वी डॉलर साइन कंट्रोल फाइल, वी डॉलर साइन पी फाइल, एस पी फाइल, ये सब व्यूज अवेलेबल होते हैं माउंटेड स्टेट पे, दीज आर अवेलेबल। ये तो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू की ब्यूटी है, ये देख लेना, मैंने आपके सामने गेट किया है। उसने कहाँ से गेट करना है, उसने इसकी डेटा फाइल से गेट करना है, ये जो 6-7 डेटा फाइल्स हैं तमाम टेबल स्पेसिस की, उस तमाम डेटा फाइल्स के ऊपर मैक्स का फंक्शन ये वाला और फिर मिन का ये वाला फंक्शन, दोनों केसेस में हमारी वैल्यू इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने कोल्ड स्प्लिट लिया था और शट डाउन इमीडिएट करके कोल्ड स्प्लिट लिया था। इट मीन्स के सबके हेडर एक जैसे होंगे, श्योर एक जैसे, नो इशू। सो वी हैव टू डू व्हाट, आ जाएं जी दोबारा रिकवरी स्क्रिप्ट के अंदर, रिकवर ऑटोमेटिक डेटाबेस यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल अंटिल चेंज, एंड दिस वुड बी योर चेंज। कितना है, 1, 2, 3, 1, 2, 4। पैरेलल क्लॉज यूज नहीं करें, आपकी डीओपी इतनी नहीं होती है, 64 बिट की कोई मशीन है ये, उसका स्क्रिप्ट उठाया हुआ है ठीक है, वहां पे तो बड़े बड़े प्रोसेसेस होते हैं ना। रिकवर ऑटोमेटिक डेटाबेस यूजिंग बैकअप कंट्रोल फाइल, हम पुरानी वाली कंट्रोल फाइल यूज करें, हमने तो नई कंट्रोल फाइल बनाई है ना, अंटिल चेंज, चेंज का आईडी, श्योर चले ओके नो इशू। हमने तो नई कंट्रोल फाइल, ये जो नई कंट्रोल फाइल बनाई है ना, वो आप बात नहीं समझे ना, ये जो नई वाली कंट्रोल फाइल बनाई है हमने, हम चाह रहे हैं कि वो इस कंट्रोल फाइल को यूज करें जो नई बनाई है। क्यों, रीजन वाई, हमने उसके अंदर सबके पाथ चेंज किए, हमने हर एक में ORCL की जगह DRCL पाथ हर एक का चेंज किया है, तो अब डेटाबेस को यही कह रहे हैं। और ये बैकअप कंट्रोल फाइल क्यों है, क्योंकि हम इस SCN तक रिकवर करना चाहते हैं जो डेटा फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, तो हम बता रहे हैं कि ये जो कंट्रोल फाइल है ये भी तुम्हारे साथ सिंक है, सो यूज दिस वन सिंक कंट्रोल फाइल। लें जी, वो कहता है कि जी बिल्कुल ठीक है, वो कहता है कि जब अगर आप, क्योंकि मैंने प्लस वन किया था ना, तो प्लस वन करने का मतलब है कि वो जहां तक रिकवर करेगा, कितना, 923 तक। तो कहता है वो 923 को अगर आपने रिकवर करना है तो आई नीड दिस वन सीक्वेंस, मुझे ये सीक्वेंस चाहिए, तो ये सीक्वेंस दें। सीक्वेंस किधर से दें, हमारे पास तो कोई सीक्वेंस है नहीं, इसको अभी देते हैं जी, फिक्र नहीं करो। हाँ, उसका नाम ना, ना ना ना, रीडू में देख लेना, दिस वन इज आवर फोल्डर, अच्छा यार ये तो रिकवरी का सेशन है, DRCL प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी LL-ALTR, इसमें देखिए कौन सी रीडू लॉग इज द मोस्ट रीसेंट वन, नीचे से ऊपर स्कैन करें, दिस वन रीडू 01.log, इसके टाइम स्टैम्प सबसे रीसेंट है ना, सबसे सबसे न्यू है, न्यू जितनी भी है पड़ी हुई, इसका पाथ दें। क्या नाम है, रीडो 01.log, श्योर, क्या कहता है, मीडिया रिकवरी कंप्लीटेड। सो राइट नाउ डू व्हाट, ऑल्टर डेटाबेस ओपन रीसेट
logs. Done. You got connected with DRCL. Now connect. Sys. क्या नाम है यार इसका नाम है SECRET secret 007 @DRCL SysDBA select on off connect हो जाए किस यूजर से aman @DRCL connect it and select asterisk from cat आ गया जी यूजर भी आ गया डेटा भी आ गया दिस वन इज परफेक्ट क्लोनिंग select asterisk from लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन जो कि उस प्रोडक्शन डेटाबेस में हुई हुई थी आपने उसका सारे का सारा डेटा इस नए नाम के जो डेटाबेस है उसके अंदर डाल दिया सेल्स यस मैंने क्विट किया ऑपरेशन सो परफेक्ट क्लोनिंग अ परफेक्ट परफेक्ट क्लोन वन जिसमें लास्ट कमिटेड ट्रांजैक्शन तक आपने अप्लाई की है सेंस इन लास्ट कमिटेड तो नहीं की रीजन ये है कि मैंने तो उसकी आर्काइव्स अप्लाई ही नहीं की ना अगर मैं करता और इससे ज़्यादा आर्काइव थी नहीं क्योंकि मैंने कोल्ड सप्लेट लिया था और उसमें सारी ये चीज़ें ऐड अप थी हाँ ना अब इस डेटाबेस में ये काम करें इसकी ये जो टेम्प फाइल्स है ना वो नहीं है तो इसके अंदर जो टेम्प फाइल्स हैं वो आपको ऐड अप करनी है इज व्हाट DRCL जी कमांड डन 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 टेबल स्पेसेस में ये नाम नहीं चेंज किया सॉरी बहुत बड़ी ये काम चलो यार नेम चेंज कर देते हैं वो अब जब ORCL डेटाबेस अप करेंगे ना तो वो स्यापा डाल देगा वो कहेगा पता नहीं इसने क्या कुछ कर दिया है डेटाबेस के साथ और ना यार DRCL था नहीं जी इतनी सी बात थी लेकिन बताया आपने फिर भी मुझे देर से है मुझे क्या पता था कि यार मैं तो आप लोगों पर रिलाय कर रहा था मैं क्या सियाने लोग हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे From what DBA underscore table spaces so 8 rows count to be selected or temp 1 aa gaya ji temp 1 temp wo sari ki sari table spaces everything is perfectly all right drop name and select kya hota hai ji db name from kya hota hai v dollar sign instance database underscore name hota hai db name hota hai database underscore name hota hai It's DRCR. Sure, done. Cloning. That's all regarding this one chapter.